देखिए दोस्तों, आज हम आटे का पिज्जा बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने एक बाउल लिया है और एक कप गेहूं का आटा लिया है। इसको इसमें डाल देंगे। इसमें अपने टेस्ट अकॉर्डिंगली नमक डालेंगे। मैं आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ। इसमें 1/4 चम्मच हम बेकिंग सोडा डालेंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच दही डालेंगे और इसको गूथेंगे। हमने पानी से नहीं गूथना, दही से ही गूथेंगे। देखिए, हमने दही के साथ डो को गूंथ लिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच ऑयल डालेंगे और इसका सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। देखिए, दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई को प्री हीट होने के लिए रख दिया है और उसमें मैंने नमक डाल दिया है और एक स्टैंड रख दिया है। अब हम इसको कवर कर देंगे। पिज्जे की टॉपिंग के लिए मैंने कुछ सब्जियां ली है, जिसमें मैंने 1 शिमला मिर्च ली है, 1 हरी मिर्च ली है, 1 टमाटर लिया है और 1 प्याज लिया है। इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। आप अपनी मर्जी से किसी भी शेप में काट सकते हैं। देखिए, हमारा जो डो है वो सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसको 2 हिस्सों में बांट लेंगे। इसको हम आटे में लपेटकर बेल लेंगे। पहले जितना हो सके हाथ से फैलाएंगे। फिर इसे बेलन की सहायता से बेल लेंगे। देखिए, हमने पिज्जे को बेल लिया है। देखिए, अब हम एक प्लेट ले लेंगे, उसको बटर के साथ चाहे देसी घी के साथ ग्रीस कर लेंगे। देखिए, मैंने इसे ग्रीस कर लिया है। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे और जिस भी प्लेट में बनाना है उस प्लेट पर लेंगे। देखिए, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे, अपनी थाली के साइज का कर लेंगे। अब इस पर फोक के साथ हम डॉट्स लगा लेंगे ताकि जो हमारा पिज्जा है वो फूले नहीं। इस पर टोमेटो केचप और थोड़ी सी ग्रीन चटनी भी डाल देंगे और साथ में फैला देंगे। अब हम इसके ऊपर मोजरेला चीज लगा देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम और ज्यादा लगा सकते हैं। अब अपनी इच्छा से जैसे मर्जी टॉपिंग कर सकते हैं। अब हम पिंच नमक लगा देंगे, पिंची लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा और मोजरेला चीज डाल देंगे। अब हम इसकी साइड पर थोड़ा सा साइडों से ही बटर लगा देंगे। इसके ऊपर थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे। अब हम इसको बेक होने के लिए कढ़ाई में रख देंगे। देखिए, कढ़ाई हमारी बहुत ज्यादा गर्म है, इसलिए ध्यान से रखें। इसको 10 से 15 मिनट सिम आंच पर बेक होने के लिए रख देंगे। देखिए दोस्तों, 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक करते हैं। देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है साइडों से। इसका मतलब हमारा जो पिज्जा है वो सिक चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको बाहर निकाल लेंगे।